जो घायल है इलाज तो पूरा उनका फ्री हो गया होगा, उसके साथ में हम लोग 1,00,000 रुपये उनको अतिरिक्त देंगे हर घायल को। और साथ में जो डेथ हो गई है वो जो चिरंजीवी योजना अपनी मेडिकल वाली है, उसमें प्रति परिवार 5,00,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, वो तो अलग है। उसके अलावा 2,00,000 रुपये हम लोग और देंगे। और तीसरा, हमने पहले जो घटना हुई थी मगरा मोहल्ला में, जो कंपनी है गैस सिलेंडर वाले को, गैस एजेंसी वाले लोग हैं, उनका एसोसिएशन बना हुआ है, तो हिमांशु जी जो कलेक्टर को मैंने कहा है कि उनसे आप फिर बात कीजिए, इतनी बड़ी घटना हुई है तो उनकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है नैतिक रूप से आगे आके। वो हाँ होती क्यों होती है, कोई डिफेक्ट होता है या गलती हो जाती है मानव से भी, उस सब जानकारी करनी है। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। एक भविष्य में घटना नहीं हो, मेन बात है मुआवजे तो आप ही तो, ये अभी क्या है, कल तो घटना हुई है, अभी जाके देखता हूँ फिर मुआवजे तो क्या जो मिलेंगे उनको, कहने की बात ही नहीं है, जो भी नियम कायदे होंगे उसके अनुसार मिलेगा, एक्स्ट्रा मदद करने की बात करेंगे, क्या कर सकते हैं। उधर आरएलपी सुप्रीमो नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल भी एमजीएच अस्पताल पहुंचे, उन्होंने भी परिजनों से मुलाकात की, उनको ढांढस बंधाया। आपको बता दें कि उनका कुशलक्षेम लेने के बाद में 25,00,000 रुपए के आर्थिक सहयोग के मुआवजे की मांग की है हनुमान बेनीवाल ने सरकार से, ये भी एक बड़ी जानकारी। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें।